नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। इस वक्त हम बात करते हैं नीमच जिले के जावद जनपद के अंतर्गत आने वाली खोर पंचायत की, जहां खोर पंचायत में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मामले में ग्रामीण एकजुट होकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय में सरपंच व सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करी। ग्रामीण आज कांग्रेस अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अजीत काठेर व कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार के साथ कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे। कलेक्टर से मुलाकात करते हुए ग्रामीणों ने मैं दस्तावेज की शिकायत करी और बताया कि किस तरीके से सरपंच व सचिव ने मिलीभगत कर शासन की जो राजस्व की लाखों रुपए की जमीन थी उन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए गैन लोगों को आवंटित कर दिया। पूरे मामले में निष्पक्ष कार्यप्रणाली नहीं दिखाई दी और पूरे मामले में भारी भ्रष्टाचार किया गया, ग्रामीणों के आरोप हैं। इस वक्त की बड़ी खबर खोर से, जहां खोर के ग्रामीण एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, कलेक्टर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी। हम लोग ग्राम पंचायत खोर से आए हैं और घटनाक्रम यह है कि वहाँ पे एक सामुदायिक स्थान है, सामुदायिक भवन है, उसके सामने की जमीन की सरपंच, सरपंच पति, सचिव, जनपद सदस्य और दामोदरपुरा पास की जो पंचायत है वहाँ के सरपंच, ग्राम पंचायत खोर का उप सरपंच वर्तमान, इन लोगों ने मिल के और उस जमीन को बेच दिया। फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियाँ करवा दी। सामुदायिक भवन है और सभी के उपयोग की जमीन है, मेन रोड पर है। जमीन की कीमत, वास्तविक कीमत वैसे तो करीब 1 करोड़ के आसपास है, क्योंकि मेन रोड की है। उसमें से इन लोगों ने इसको बंदरबांट की तरह 3-4 लाख रुपये प्रति पट्टे के हिसाब से लोगों को बेच दिया और उसकी गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा दी। पंचायत का जो भू आचार संहिता जो है उसके अनुसार ये दी नहीं जा सकती। कम से कम जो सबसे छोटा पट्टा होता है वो 900 स्क्वायर फीट का 30x30 का होता है। उन्होंने 12x15 का व्यावसायिक भूखंड के हिसाब से आवंटन कर दिया, जो कि नियमों के सख्त खिलाफ, शासकीय जमीन है। इसमें जीवनलाल मेघवाल जो है जनपद पंचायत जनपद सदस्य वार्ड 24 का है, सदस्य का भाई है, धर्मेंद्र बैरागी है, दामोदरपुरा ग्राम पंचायत का सरपंच है वर्तमान में, इसमें संतोष भाई है जो कि वर्तमान में उप सरपंच है, उनकी पत्नी है। इसके अलावा बाकी जो कुछ है उन लोगों ने आपस में उनकी रजिस्ट्रेशन आपस में, एक भाई ने अपने दूसरे सगे भाई को बेच दी, पति ने पत्नी को बेच दिया, पत्नी ने पति को बेच दी। इसकी क्या मांगे? हम लोगों की है कि जो सरपंच सचिव है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको जेल भेजें, क्योंकि उन्होंने पूरे गांव के साथ में गलत किया। जावद में खोर ग्राम पंचायत हमारी बड़ी पंचायत है, विक्रम सीमेंट फैक्ट्री से लगी हुई पंचायत है और वहां पर वर्तमान सरपंच और जो पंचायत के सचिव है उन्होंने क्या किया कि शासकीय ज़मीनों पर जो है फर्जी प्रमाण पत्र स्वामित्व के बना दिए और जिन लोगों ने वो फर्जी प्रमाण पत्र शामिल किए उन्होंने क्या किया कि टाइटल का रजिस्टर्ड दस्तावेज तैयार करने के लिए फर्जी रजिस्ट्रियाँ करा ली। पति ने पत्नी के नाम करा दी, भाई ने भाई के नाम पे करा दी, इस तरीके से 9-10 रजिस्ट्रियाँ वहाँ पर हो गई। तो ये जैसे ही बात गांव वालों को मालूम पड़ी गांव में एकदम आक्रोश आ गया। कल गांव के लोगों ने बंद भी रखा और आज ये हमारे सरपंच साहब उदय सिंह जी सारे गाँव के लोगों को लेकर के आए हैं और अभी कलेक्टर साहब से बात करिए। कलेक्टर साहब ने शांतिपूर्वक सारी बात सुनी है और उन्होंने माना है कि मंत्री ने और सरपंच ने गलत काम किया है। उन्होंने SDO साहब को निर्देश दिए हैं कि वो सारा पंचायत का रिकॉर्ड जब्त करें और जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किया है, जिन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रियाँ करा ली है उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए, तुरंत कार्रवाई करें। मैंने कलेक्टर साहब ने अपनी ओर से जितनी शीघ्र कार्रवाई हो सकती है और जितनी समुचित कार्रवाई हो सकती है उतना करने का निर्देश दे दिया है। पूरे मामले में कलेक्टर अजय गंगवाल ने तुरंत संबंधित SDM जावद व जनपद CO को तत्काल प्रभाव से मामले में निष्पक्ष जल्द से जल्द कार्रवाई कर दोषी जो भी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। SDM जावद को मैंने निर्देश दिया है कि उसकी डिटेल जांच करेगा, अगर उसमें शासकीय जमीन का खुर्दवर्द किया होगा तो उनके खिलाफ 420 क्रिमिनल केसेस दर्ज करेंगे। वो रजिस्ट्री में नष्ट किया जाएगा और अगर रजिस्ट्री के लिए उसको स्टॉप किया जा रहा है और अगर उन्होंने शासकीय ज़मीन का खुर्दबीन किया होगा तो निश्चित तौर पे उनको हम लोग क्रिमिनल केस में लेके जाएंगे।